आधा डालो भाई साहब, आधा डाल लो, क्योंकि मैं तो फिर आपको दिखाने वाला हूँ वही रिवर थेम्स, वही मैं हूँ। और आज हम बात करते हैं चेन्नई करें, क्या कहते हो? चेन्नई ने ऑक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं मचाई हलचल यार, थोड़ा सा कैरेक्टर से हटके भी। क्या सोच रहे थे? डैरन मिचेल क्यों, मुस्तफिजुर रहमान भी, पर समीर रिजवी भी? भाई प्लानिंग क्या चल रही है महेंद्र सिंह धोनी की, जरा जानने का कर लें प्रयास। बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। चोपड़ा जी, क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और कल गड़बड़ हुई थी यार, वो जो मुंबई वाला वीडियो था ना, उसमें कुछ ऑडियो का ग्लिच आ गया। तो हुआ ये कि पहले पब्लिश हो गया, 2.5-3 लाख लोगों ने देख लिया, उसके बाद हमें एहसास हुआ, फिर हमने उसको ठीक करने का प्रयास किया, और फिर जब हमने दूसरा वीडियो डाला, ऑब्वियसली इट टैंक्ड, क्योंकि लोगों को लगा भाई ये सेम वीडियो क्यों दोबारा आ रहा है। तो माफ़ी चाहते हैं उसके लिए भैया, गलती हो गई हमसे। पर अब मैं इस उम्मीद है कि इसमें ऑडियो वॉडियो सब सही रहेगा। अब ज़रा चेन्नई की करते हैं बात। और चेन्नई अगेन, जैसे कल मैं मुंबई का कह रहा था ना, चेन्नई ऑल्सो आई थिंक गॉट लकी, आई टेल यू क्यों। शार्दुल ठाकुर इन 4 करोड़ इज़ एन एब्सोल्यूट स्टील, क्योंकि लॉर्ड के लिए लोगों ने मेरे विचार में 10-12-14 करोड़ रुपए बचा के रखे होने चाहिए थे, जो हर्षल पटेल को इवेंचुअली मिले भी। इंडियन फास्ट बॉलर्स 3-4 ही थे अवेलेबल जो कैप्ड इंडियंस थे, जिसमें एक उमेश थे जो 5.5-6 करोड़ के रूप में जाते हैं, उसके बाद हर्षल पटेल थे, वो महंगे जाते हैं, इवन शिवम मावी जाते हैं महंगे यार, पर शार्दुल ठाकुर नहीं जाते। और क्या कहानी है? देखिए, इंडियन T20 स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा नहीं है, पर जब पिछले साल 10.25 करोड़ रुपए दिए थे, वो जब पहले दिल्ली के पास थे, वहाँ से शिफ्ट होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, तो वैल्यू तो है प्लेयर की। और ये स्टील हो गया, स्टील हो गया भाई, स्टील मतलब बार्गेन प्रॉपर। अब वैसे ये टीम जो थी, ये ट्रैविस हेड की तरफ भी जा रही थी, हम थोड़ा सा सरप्राइज थे कि क्यों जा रही थी, पर जा रही थी। उनका मन कर रहा था कि हम ट्रैविस हेड को भी रखेंगे, हो सकता है मोइन अली की रिप्लेसमेंट के रूप में रखें। हालांकि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, कहेंगे वो किसी काम के नहीं थे, मोइन अली के लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि डेवन कॉन भी ओपन करते हैं, ट्रैविस हेड भी ओपन करते हैं, ट्रैविस हेड को जैसे ही आपने मिडल ऑर्डर में भेजना था उसने रन नहीं बनाने थे। तो फिर अच्छा ही हुआ कि नहीं मिले, वो ले गई हैदराबाद की टीम, इनको उसके बदले रचिन रविंद्रा मिल गए मात्र, मतलब बिल्कुल पीनट्स पीनट्स, आई थिंक 1.8 करोड़ इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो रचिन रविंद्रा सस्ते में मिल गए। अब वो क्या है कि डेवन कॉनवे के पक्के रिप्लेसमेंट हो गए, और ये दो काम करते हैं, इसमें लेफ्ट आर्म स्पिन है, तो मिचेल सैंटनर को जो कभी कभी खिलाना पड़ता था वो भी खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने डेवन कॉनवे की जगह इनको खिला लिया। तो अगेन अ वेरी गुड बाय, बहुत सस्ते में मिल गए। तो जब भी आप ये दो चीज़ें, बहुत दो खिलाड़ी बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, जिसमें एक इंडियन कैप्ड प्लेयर है, दूसरा एक उभरता हुआ सुपरस्टार है, तो फिर क्या होता है कि आपके पास विकल्प हैं कि मैं क्या करूं। आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, एक्चुअली आपका जो मन करे आप वो कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर पैसे खर्च किए 14 करोड़ रुपये डैरन मिचेल के लिए। डैरन मिचेल इज़ अ सीरियस प्लेयर, मतलब मेरी रेटिंग में भी, मेरी रैंकिंग में था कि 8-10 करोड़ के इर्द गिर्द जाएंगे, 14 करोड़ रुपए ये प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं कि मुझे मिडिल ऑर्डर में एक अग्रेसिव ओवरसीज बल्लेबाज चाहिए, ही कुड बी दैट गाय। क्योंकि मोइन अली के स्टॉक्स थोड़े से नीचे जा रहे हैं, बल्ले के साथ पिछले साल भी कुछ किया नहीं था, अब बॉलिंग कप्तान बहुत बार कराते नहीं है, तो ही इज़ दैट गाय जो स्पिन को अच्छा खेलता है, जो अग्रेसिव है, वो अंबती राइडू का भी एक रोल अदा करना है किसी को, तो ये सारे काम मिलके डैरल मिचेल अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऊपर डेवन कॉनवे, बीच में डैरल मिचेल, और उसके बाद चाहे वो महेश दीक्षा और मथीश पथिराना खिलाएं, या फिर इन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को भी ले लिया, कह रहे चलो जी मुस्तफिजुर रहमान भी हमारी टीम का हिस्सा है, तो मुस्तफिजुर रहमान इनके पास हैं और मथीश पथिराना इनके पास हैं। हम सबको लग रहा था आउट एंड आउट पेसर की तरफ जाएंगे, इन्होंने कहा ना, आप लोगों को कुछ नहीं पता, हमारे पास दीपक चाहर है, हमारे पास मुकेश चौधरी है, हमारे पास तुषार देश पांडे है, राजवर्धन हंगरकेकर है, हमारे पास अब सिमरजीत हैं, इनके पास हमारे पास अब हमने शार्दुल ठाकुर और मुस्तफिजुर को भी रख लिया, तो प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल, कीपिंग इन माइंड कि किस तरीके की पिच होती है चेन्नई में, क्योंकि किसी 7 मैच आप चेन्नई में खेलते हो, 7 में से अगर आप 6 जीत गए या 5 जीत गए तो फिर क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से ये टीम तैयार की गई, और उसके बाद केम सरप्राइज सरप्राइज समीर रिजवी के लिए, बोली पे कमाल ही कर दिया समीर रिजवी के लिए, जिन्होंने पैसे खर्चे हैं। उन्होंने कहा मेरा ना आइडल हैं महेंद्र सिंह धोनी, उनकी टीम में नाम आ जाए तो बहुत बढ़िया हो जाता है, पर अगर 8.5 करोड़ रुपये में आए तो ओए चांदी चांदी है भाई। अब कोई भी युवा खिलाड़ी ना, किसकी टीम में आप जाना चाहते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये दो ऐसी फ्रेंचाइज है जो बहुत अच्छा करती हैं युवाओं के साथ, एक है मुंबई और दूसरी है चेन्नई। मुंबई शुरुआत में ऐसी नहीं थी, इफ़ यू रिमेंबर, वो शुरुआत में जब था शिखर धवन या और भी खिलाड़ी इनके पास हुआ करते थे, अजिंक्या, तब मौके नहीं देते थे,
लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने खिलाड़ी बनाने शुरू कर दिए हैं। ये हार्दिक पंड्या, कृणाल पंड्या, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, ये मतलब वो कहानी मिड 2013 के इर्द गिर्द बदलनी शुरू हो चुकी है। तो पिछले 10 साल से दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट इन द यूथ और उनको सही जगह पे सही मौके भी दे रहे हैं, वरना कौन देता है 3 नंबर पे बैटिंग या 4 नंबर पे बैटिंग नहीं मिलती है। यहाँ तो भाई समीर रिजवी, अब समीर रिजवी के साथ भी ये बढ़िया अच्छा काम करने वाले हैं। 2 ओपनर 3 पे अजिंक्य रहाणे, 4 पे हो सकता है समीर रिजवी को रख दें। कह रहे बेटा तू तैयार रहे, उसके बाद हम डैरिल मिचेल को भेजेंगे, उसके बाद शिवम दुबे को भेजेंगे, उसके बाद हम रविंद्र जाडेजा और मैं खुद आ जाऊंगा महेंद्र सिंह धोनी। सो दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल और टीम जो थी पहले अच्छी सी, महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स अच्छी टीम थी, अच्छी है, ऐसा लग रहा है अच्छी रहेगी जब तक ये भाई रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अच्छी ऑप्शन की इन्होंने, जो जो चीज़ें चाहिए थी उसमें शार्दुल का स्टील, क्योंकि अब बॉलिंग के अंदर भी काफ़ी विकल्प मौजूद और विकल्प भाई को पसंद भी बहुत हैं, तो चाहे वो दीपक हों या शार्दुल हों या फिर मुकेश चौधरी हों, या आपके अगर 3 इंडियन खेल जाते हैं तो मथीश पथिराना, महेश तीक्ष्णा, मैं मत खिलाऊं महेश तीक्ष्णा का मन नहीं कर रहा, तो अब रविंद्र जाडेजा के साथ किसी और को खिला सकते हैं। आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो चेन्नई की टीम है ना, ये अच्छी टीम है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। और क्योंकि मैं लंदन में हूँ अभी, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ एक सेकंड, मैं जा रहा हूँ यहाँ से दिखती है थोड़ी दूर आई थिंक लंदन आए, तो लंदन आए जाना है मेरे को, तो इंडिया का मैच तो अभी शुरू हो चुका है, उसकी बात कर लेंगे, हैशटैग आकाशवाणी भी करनी है अपने, तो आप इंडिया के मैच की कहानी वहाँ सुन लेना, चेन्नई सुपर किंग की कहानी आप यहाँ सुन लो। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, मुझे अब अंदर जाना चाहिए, और अगर थोड़ी सी आवाज़ की परेशानी हो क्योंकि हवा बहुत है, तो उसके लिए माफ़ी अभी मांग लेता हूँ, है ना।